पास है ये टीपी लिंक का 3 एंटीना वाला राउटर। अगर आप राउटर लेने के सोच रहे हैं, स्पेशली टीपी लिंक का, एंड बहुत ज़्यादा फेवरेट राउटर रहता है ये आजकल के ट्रेंड में है, तो ये मैं आपको रिव्यू बताऊंगा और टीपी लिंक की क्वालिटी भी बताऊंगा एंड बताऊंगा कि आपके लिए बेस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। मुझे इस राउटर को लिए हुए अराउंड 2 साल हो जाएंगे अभी, एंड ये ड्यूल बैंड राउटर है। इसमें एक एंटीना जो 5G है, एक 2 एंटीना जो 4G है, एंड मैंने अभी तक देखो पोलोथिन भी नहीं उतारी है इसकी, क्योंकि काम ही क्या था। एंड मैं इसको पीछे से इसका जो है मॉडल नंबर वगैरह आपको सब कुछ दिखा देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। मॉडल नंबर है ये आर्चर C20AC750 वायरलेस ड्यूल बैंड राउटर, पावर 9 वोल्ट की है एंड मेड इन चाइना है। एंड पीछे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, एक्स्ट्रा पोर्ट्स हैं। एंड इसमें क्या क्या मिलता है, एक आपको पावर ऑन ऑफ बटन मिलता है, एक रीसेट मिलता है, वाईफाई WPS मिलता है, ईथरनेट के पोर्ट मिलते हैं, ये आपको 4 अलग से कनेक्शन मिलते हैं। आप 4 कनेक्शन ले सकते हो, ये पावर का पोर्ट है। इसके अलावा इसमें आपको आगे लाइट्स देखने को मिलेंगी। यहाँ पे जो लाइट है ये बंद हो जाती है जब इसमें वाईफाई नहीं रहता है, मतलब जब इसमें वाईफाई नहीं होगा तो रेड लाइट आ जाएगी, मतलब इसमें इंटरनेट नहीं है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं हो रखा है। तो ये एक ओवरव्यू है। इसके साथ आपको एक चार्जर मिलता है, बाकी कुछ है नहीं। बट इसका एक्सपीरियंस मैं अपना शेयर करता हूँ तो बहुत बेकार रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा बेकार रहा है। ड्यूल बैंड राउटर जो आता है वो ज़्यादा अच्छा रहता है। हालांकि 5G और 4G अगर आपको दोनों लेना है, या तो आप लो सिर्फ 5G लेने का फ़ायदा ये होगा कि आपको जो स्पीड मिलेगी वो बहुत अच्छी मिलेगी, लेकिन उसका इशू क्या होता है कि बहुत सारे मोबाइल्स होते हैं जिसमें 5G सपोर्ट नहीं करता है, तो उसके लिए 4G चाहिएगा। 4G की स्पीड कम होती है 5G के मुकाबले, बट अगर आप ये 3 एंटीने का कॉम्बिनेशन लेना चाहते हो ना, तो मेरे हिसाब से ये वेस्ट है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इशू आएगा। एक तो इसकी रेंज कम है, 5G की बहुत कम है, सिंगल एंटीने से रेंज बहुत कम हो जाती है। ठीक है, मेरे को दूसरे कमरे में भी प्रॉपर रेंज नहीं मिलती है। दूसरा, कनेक्टिविटी की, इस टीपी लिंक के प्रोडक्ट में कनेक्टिविटी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कनेक्ट डिसकनेक्ट नेट इशू बहुत ज़्यादा है। मैंने बहुत बार नेट ऑपरेटर को भी दिखाया है, बहुत सारी चीज़ें करवाई भी हैं, फिर भी नेट इशू रहा है इसमें। एंड दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आपको दोनों बैंड का लेना है तो 4 एंटीने का कम से कम लो, 2 5G के, 2 5G के, 2 4G के, ये होना चाहिए। 3 का कॉम्बिनेशन मत लो। आपको लेना है तो या फिर 2 4G वाले लो, या फिर 4 लो, 2 5G 2 4G, या फिर सिर्फ 5G लो, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन होगा। बट मैं रिकमेंड नहीं करता कि आप 3 वाले इसके साथ जाओ, क्योंकि बहुत ही खराब एक्सपीरियंस रहा मेरा। एंड बहुत सारे सेटिंग्स हैं, मतलब नेट इतना स्लो चलता रहता है, इतना इशू आता है कनेक्टिविटी में, मैं बता नहीं सकता आपको। इस कमरे में बैठे रहो, यहाँ पे बस काम करते रहो तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आप दूसरे कमरे में चले जाओ तो बहुत ही इशू आने वाला है आपको। एंड रिकमेंडेशन यही रहेगी जो मैंने आपको बताया। एंड अगर आप अभी वाईफाई परचेज करने का सोच रहे हो, राउटर परचेज करने का सोच रहे हो, तो डेफिनेटली अपना इस पे से ध्यान हटाओ, कोई दूसरा मॉडल आप देखो, D-Link देख लो, या फिर और दूसरी कंपनियां हैं उनका भी आप ट्राई कर सकते हो। सो ये थी आज की वीडियो, एंड ये मेरा खुद का यूजर एक्सपीरियंस। बाय बाय, टेक केयर, सी यू द नेक्स्ट वीडियो।